यस रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म हमारा जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी, उसमें हम बहुत सारी टर्म्स के बारे में जान चुके हैं कि कौन सी टर्म है जो कि रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। अब आता है हमारे पास गैमेट ट्रांसफ़र। रिप्रोडक्शन की जो मेन प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट है दैट इज़ गैमेट फॉर्मेशन। जो हमारे पास गैमेट मदर सेल है उससे क्या बनेंगे, गैमेट्स बनेंगे, मतलब मेल बॉडी के अंदर मेल पार्ट के अंदर मेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा एंड फीमेल पार्ट के अंदर फीमेल गैमेट का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद फीमेल एंड मेल गैमेट मिलेंगे, फ्यूज़न होगा, ठीक है। अब यहाँ पर वही है कि जो मेल गैमेट होता है दैट इज़ मोटाइल, ठीक है, वो क्या है मोटाइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जबकि फीमेल गैमेट जो है वो इमोटाइल होता है, वो मूवमेंट नहीं करता है। तो मेल गैमेट को ही कहाँ पहुँचना है, फीमेल गैमेट के पास पहुँचना है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स, ठीक है, या गैमेट ट्रांसफ़र। तो किस तरीके से गैमेट जो है वो फीमेल गैमेट के पास, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास पहुँचेगा। नंबर 1 इन एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। आपको पता है प्लांट्स जो हैं उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। एल्गा भी इसमें एक पार्ट है। तो एल्गे की अगर हम बात करें, ब्रायोफाइट्स की अगर हम बात करें, टेरिडोफाइट्स की अगर हम बात करें, तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड, ठीक है। दोनों कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं और मोटाइल होते हैं, क्यों, क्योंकि इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है मेल एंड फीमेल गैमेट। तो वाटर की रिक्वायरमेंट, वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो डेफिनेटली मूवमेंट करने के लिए इनके अंदर फ्लैजिला होता है, ठीक है। मैंने जो इसकी पहले बात की थी कि जो फीमेल गैमेट होता है वो इमोटाइल होता है जनरली, ठीक है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स या स्पीशीज ऐसी हैं जिनके अंदर फीमेल गैमेट भी कैसा होता है, मोटाइल होता है। इनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और ये टू रीच और ये एक दूसरे के पास पहुंच जाते हैं फीमेल एंड मेल गैमेट, ठीक है। इन सीड्स प्लांट्स, अगर हम सीड्स प्लांट्स की बात करें जिनके अंदर सीड्स बनते हैं प्रॉपर, ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ सम स्पीशीज, ठीक है। फ्लावर वाली जो फैमिली है दैट इज एंजियोस्पर्म, ठीक है, फैमिली नहीं उसको ग्रुप बोलेंगे हम। तो एंजियोस्पर्म जो है वो फ्लावर बियर करता है। तो फ्लावर जो है उसके अंदर आपको पता है मेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है, फीमेल गैमेट भी प्रेजेंट होता है, मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमेट, फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट, फ्लावर के अंदर ही। तो फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ पर पहुँचेंगे, स्टिग्मा पर पहुँचेंगे, ठीक है। और क्या क्या होगा, मतलब इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन जो है वो किस तरीके से हो सकता है, विंड के थ्रू हो सकता है, वाटर के थ्रू, इंसेक्ट के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू एंड एंट्स के थ्रू हो सकता है। अब आते हैं एनिमल्स। ये तो हो गया गैमेट्स का ट्रांसफ़र, वाटर के थ्रू हो सकता है या फिर किसके थ्रू, डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट जो हैं, विंड हो गया, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड्स, एंट्स, ये सब। अब आते हैं हमारे पास एनिमल्स के अंदर किस तरीके से गैमेट ट्रांसफ़र होता है। कॉपुलेशन मतलब फीमेल एंड मेल जो एनिमल्स हैं वो कॉन्टैक्ट में आते हैं और वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं और इस प्रोसेस को बोलते हैं कॉपुलेशन। मैटिंग होती है और ये जो प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, फीमेल एंड मेल गैमेट का फ्यूज़न होता है और जायगोट बनता है। इस तरीके का प्रोसेस मिलता है रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में एंड मैमल्स में। इसमें दो फीमेल एंड मेल दोनों ऑर्गेनिज्म का कॉन्टैक्ट में आना जरूरी है। उसके बाद आता है बाय एक्सटर्नल मीडियम। एक्सटर्नल मीडियम मतलब कि जो मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने गैमेट्स को वाटर में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इस तरीके से वाटर के अंदर ही मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगी और क्या फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस तरीके का फर्टिलाइजेशन जो है वो एक्सटर्नली हो रहा है, बॉडी से बाहर हो रहा है, ठीक है, जबकि अगर बॉडी के अंदर होता है जिसमें मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म को मिलना ज़रूरी होता है, कॉन्टैक्ट में आना ज़रूरी होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और अगर मेल और फीमेल के बिना कॉन्टैक्ट में आए वाटर में या किसी अदर मीडियम में गैमेट्स जो हैं वो फ्यूज़ हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फिशेज एंड एम्फीबियंस में ये प्रेजेंट होता है। उसके बाद आता है स्पोरो स्पोरुलेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन।
अमोइबा जो है वो फेवरेबल कंडीशन में टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, इक्वल टू पार्ट्स में, जिसको बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं, और वो न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेती है। लेकिन अमोइबा जो है वाटर वाटर सोर्सेज में रहती हैं। अगर वाटर सोर्सेज में वाटर की कमी हो गई, इट इज़ द अनफेवरेबल कंडीशन, फूड कम हो गया, वाटर कम हो गया, ठीक है, थोड़ा सा जिंदा रहने के चांसेस बहुत कम है, तो अमोइबा जो है वो अपने आप के ऊपर एक सिस्ट बना लेता है, अपने सिस्ट में चेंज हो जाता है, और अपने आप का जो उसका न्यूक्लियस है, अमोइबा इज़ ए यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, उसका जो न्यूक्लियस है वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और स्पोर्स का फॉर्मेशन कर लेता है, ठीक है, अपने आप को वो बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड करके बहुत सारी लेयर, टफ लेयर में, थ्री लेयर, ठीक है, हार्ड कवरिंग होती है उसमें कवर कर लेता है, उसको बोलते हैं सिस्ट। इस वाली जो पोजिशन है अमोइबा की, उसको बोलते हैं सिस्ट, एंड दिस इज कॉल्ड एंसिस्टेशन, ठीक है, सिस्ट का बनना। अनफेवरेबल कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म, जनरली ये लोअर कैटेगरीज के ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में ये अपने आप को सिस्ट में चेंज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं एंसिस्टेशन। विद इन सिस्ट नंबर ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड, बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ऑन रिटर्निंग फेवरेबल कंडीशन, जब इनके लिए फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो ये बर्स्ट हो जाती है सिस्ट, और जो स्पोर्स होते हैं वो लिब्रेट हो जाते हैं और वो नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कर लेते हैं। इस स्पोरुलेशन को आप मल्टीपल फ्यूजन भी बोल सकते हैं। अब आता है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू फ्रेगमेंट्स, ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में, मान लीजिए मेरा ये हाथ है, मैं ऑर्गेनिज्म हूँ, इसको यहाँ से काट दिया जाए तो ये नई मेरी जैसी मेरे जैसा सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रीजनरेशन, ठीक है। जैसे कि लिजार्ड है, उसकी अगर पूंछ को काट दिया जाए तो नई पूंछ आ जाती है, इट इज़ ऑल्सो रीजनरेशन, ठीक है। प्लेन एरिया जो है उसको जितने पार्ट्स में आप कट करोगे वो उतने ही पार्ट्स में क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, इट्स ऑल्सो रीजनरेशन। हाइड्रा में भी होता है, इसलिए इनको अमर एनिमल बोला जाता है, अमर है ये, कभी नहीं मरने वाले हैं, क्योंकि जितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे ये उतने ही ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल रेस्टोरेशन एंड ग्रोथ, इट कैन अकर एट द लेवल ऑफ सेल टिश्यू एंड ऑर्गन, सेलुलर लेवल में भी हो सकता है, मतलब एक से बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, टिश्यू लेवल पे भी और ऑर्गन लेवल पे भी। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है किस किस के अंदर, हाइड्रा, प्लेनिया एंड काइनोडर्मेटा। इन ह्यूमन लिवर हैज़ अ पावर ऑफ रीजनरेशन, हमारी बॉडी में इकलौता वन एंड ओनली एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जिसको कि अगर हम काट दें तो वो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है वापस, दैट इज़ लीवर, ठीक है। लीवर जो है वो अगर पार्शली डैमेज हो जाता है तो वो अपने आप को रिकवर कर लेता है, उसके अंदर रीग्रोथ हो जाती है, इस प्रोसेस को हम रीजनरेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग डेंजर अ लिजार्ड डिस्कार्ड अ पार्ट ऑफ इट्स टेल, बताया अभी कि जब भी ये जो है वो डेंजर कंडीशन में होती है तो अपने लिजार्ड को जो है वो डिस्चार्ज कर देती है और डिस्कार्ड कर देती है, और वापस थोड़े टाइम बाद इसकी जो टेल है वो रीजनरेट हो जाती है। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर लगभग कंप्लीट है। आइसोगेमस न्यू वर्ड है, आइसोगेमस का मतलब होता है दो एक जैसे गैमेट जो है वो कॉन्टेक्ट में आता है, फ्यूज़ होते हैं, तो उसको बोलते हैं आइसोगेमी, आइसोगेमस, जिसमें आइसोगेमेट्स जो हैं वो एक जैसे हों तो आइसोगेमेट्स, एल्गा में होता है। हेटेरोगेमेट्स, जिसमें जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट अलग अलग तरीके के हों, स्ट्रक्चर अलग हों उनकी, तो उसको बोलते हैं हम हेटेरोगेमेट्स, ये फ्यूकस में होता है, ठीक है। हेटेरोगेमेट्स ह्यूमन बीइंग आपको दिखाई दे रहा है, ह्यूमन बीइंग जो है ये, इट इज़ द एग, ठीक है, और ये क्या है, स्पर्म। तो स्पर्म और एग दोनों की प्रॉपर स्ट्रक्चर में पूरी तरीके से डिफरेंस है, आप देख सकते हो, एज़ यू कैन सी, ठीक है, ये एक ओवल शेप स्ट्रक्चर है जबकि एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है स्पर्म, और ये कॉन्टेक्ट में आते हैं, जायगोट का फॉर्मेशन करते हैं। इवेंट्स इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स जो हैं वो तीन तरीके के, पहले हम बात करते हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका मेन इवेंट फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन के पहले कौन से चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसके बाद आ गया मेन जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उसको बोलेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट।
प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, गैमेट का फॉर्मेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, उसको बोलेंगे हम गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलेंगे उसको, गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद गैमेट्स का आपस में कांटेक्ट में आना जरूरी है, तो गैमेट्स जो है वो ट्रांसफ़र होंगे। तो दो इवेंट हो गए, पहले तो गैमेट का बनना, उसके बाद गैमेट का ट्रांसफ़र होना। ठीक है, तो गैमेट ट्रांसफ़र, जब दोनों गैमेट्स जो हैं वो कांटेक्ट में आ जाएंगे तो उनका फ्यूज़न हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज़ ऑफ टू टाइप्स, नंबर वन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर। ठीक है, आउटर एनवायरनमेंट में अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड द फर्टिलाइजेशन इज अकरिंग इनसाइड द बॉडी, उसको बोलेंगे हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब क्या होगा, यहाँ पर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़न हो चुका है तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। जाइगोट के बाद, जाइगोट जो है वो एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, और अब ये क्या होगा, डिवाइड होगा और किस में चेंज होगा, एम्ब्रियो में होगा। दैन फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से या डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनेगा, ये प्रोसेस जो है वो एम्ब्रियोजेनेसिस है, जो भी एक पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। उसके बाद सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल में ओनली वन पेरेंट पार्टिसिपेट करता है, असेक्सुअल में वन पेरेंट, सेक्सुअल में टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, गैमेट्स आर नॉन इन्वॉल्व, असेक्सुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व ही नहीं होते हैं, जबकि सेक्सुअल में गैमेट्स का होना मस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है।